का कोई प्रश्न है? ये कहा गया मुझे भी, वैसे और भी और जगह भी बताया जाता है, और भी बुजुर्ग बताते हैं कि आदमी के विचार उसके भोजन के ऊपर भी निर्भर करते हैं। और यहाँ पर भी बताया गया कि आदमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में अब जैसे कहते हैं कि क्या नाम, सामिश भोजन नहीं होना चाहिए, आदमी का वेजिटेरियन होना चाहिए। वेजिटेरियन में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं है। मैं अपने घर में भी देखता हूँ, मेरे घर में मेरी माता जी बहुत सात्विक विचारों वाली हैं, वो भी बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं घर में घुसने देती थी। और भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो कि अपने आप को सात्विक विचारों वाले हैं, असल में वो है सात्विक विचारों वाले, उनके घर में प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनता। या अब जैसे बहुत से लोगों का ये विचार है कि हम अंडा मीट ना खाएं, तो लोग क्या नाम, अंडा मीट या मछली ना खाएं। वैसे मैं नहीं खाता ये चीजें, अंडा मीट या मछली ना खाएं तो लोगों की क्या नाम भोजन पूरा नहीं होगा। आखिर दुनिया ने चलना है, तो क्या ये हम उन चीजों को रखें, आज की संसारिक मतलब संसार की जरूरतों को देखते हुए हम अपना भोजन तय करें। दूसरी चीज प्याज और लहसुन में देखता हूँ कि बहुत से लोग नहीं खाते, यहाँ पे भी मैं देखता हूँ नहीं बनता, जबकि ये दोनों के दोनों चीजें वैसे देखा जाए मतलब है कि इसको मेडिसिन के व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीजें हैं दोनों के दोनों, और बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। बॉडी को अपने मतलब कि साफ रखने के लिए, बॉडी का रक्त साफ रखने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। इसके बारे में क्या आप हमारे सात्विक भोजन के बारे में आप जरा अपने विचार बताएंगे? अब जहां तक भोजन की बात है, सात्विक भोजन की बात, भोजन एक फैक्टर है, भोजन कोई अन्न का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे संग है, मनु जैसी सोबत पे रहता है। किसी ने कहा है, सोबत है साले तुरा, साले कुनत सोबत है ताले तुरा, ताले कुनत द बर्ड्स ऑफ ए फैदर फ्लॉक टुगेदर। मनुष्य की जो सोबत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है जैसे कहते हैं, जैसे जैसा संग वैसा रंग, जैसे अन्न वैसा मन, जैसे कहा हुआ है वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग। तो कुसंग और सत्संग की बात जो कही गई है वो इसी को लेकर कही गई है। जैसे मैंने फूड की बात कही, इसी तरीके से किसी ने कहा है कि यू टेल मी व्हाट फ्रेंड्स ही हैज एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। उसके फ्रेंड्स का नाम मुझे पता, जिसको मैं भी जानता हूं आप भी जानते हो। तो मनुष्य जिस किस्म की बातें सुनता रहता है, वो जो संग करता है उसका भी प्रभाव पड़ता है, वो भी एक फैक्टर है। फूड केवल एक फैक्टर नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। तो फूड का प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो प्याज और लहसुन नहीं खाते होंगे, और वो आपको शांत स्वभाव के महसूस मिलेंगे। और कोई व्यक्ति ऐसे भी होंगे, यानी प्याज लहसुन नहीं खाते होंगे तो थोड़ा वो भी क्रोध करते होंगे। जो खाने वाले ना खाने वाले दोनों प्रकार के आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अगर कोई व्यक्ति प्याज और लहसुन को नहीं खाता लेकिन कुसंग करता है, सिनेमा की ऑब्सीन फिल्म देखता है या ऐसे गंदे नावल पढ़ता है, तो वो केवल एक भोजन से उसका वो ठीक नहीं हो जाएगा, बल्कि ये जो दूसरी खराब बातें वो करता है वो नेगेटिव असर अपना डालेंगे। ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे चाहिए। उन्होंने जैसे कहा कि आजकल का जमाना है, कोई मछली खाता है, कोई अंडा खाता है, कोई मीट खाता है, और सब लोग अगर ये इस तरह से आहार करें तो ये संसार का, ये इस किस्म के एक प्रश्न नहीं है, इस किस्म के बहुत सारे प्रश्न है। देखिए मैं आपको बताऊं, कई इलाके ऐसे हैं जहां रेंडियर ही पाले जाते हैं। अगर मान लीजिए आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर चले जाएं, वहां कोई गेहूं थोड़ी उगता है, वहां पर कोई इस तरह से कोई शाकाहारी भोजन थोड़ी मिलता है। वहां पर लोग रेंडियर पालते हैं, उसी के मीट को खाते हैं, उनकी अपना आहार का वो सिस्टम है। इस तरह से हजारों क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस पर बुक्स लिखी हुई हैं, हमारे पास भी एक पुस्तक है, हम आपको दे सकते हैं। लोगों ने ये भी सारा अंदाजा लगाया है, कई कहते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर लोग एनिमल डाइट ना लें तो ये सारा जो अनाज का सिलसिला है वो पूरा ही नहीं होगा। या जो कोई ये कहेंगे कि जो अंडा खाते हैं या मीट खाते हैं उसमें कोई विशेष प्रकार के पौष्टिक पदार्थ हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्याज और लहसुन है उनके अपने बेनिफिट्स हैं या नहीं, इट इज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इट इज नॉट ए सिंपल क्वेश्चन। वी हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन दैट, यू आर इंटरेस्टेड वी विल गिव यू। देन आई हैव टू गो इनटू द केमिस्ट्री ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, कि उस ऑनियन और गार्लिक में क्या ऐसी चीज है जो मनुष्य को उत्तेजना देती है।
वो जो एंटीसेप्टिक एलिमेंट्स हैं उसमें, मैं क्योंकि आपने कहा है तो इसलिए मैं थोड़ा और उसको विस्तार से लेता हूँ, बट आई वॉन्टेड टू सम इट अप ब्रीफली। उसमें जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्टिसाइड हो, कोई एंटीसेप्टिक हो, जो मनुष्य को कुछ कीटाणुओं के आक्रमण से बचाए, उसको ऐसा तत्व दे, आमतौर से प्याज और लहसुन में ये माना जाता है, उसके ब्लड क्लोरिस्टॉल के लिए भी उसको बेनिफिशियल बताते हैं लोग, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके लोगों ने क्रिस्टल्स बना रखे हैं उसके जूस निकाल कर, और वो डब्बों में बंद करके बेचते हैं, और उसके वो ये बेनिफिट्स बताते हैं। वही चीजें हार्मफुल हैं। जैसे आप देखिए मीट है, मीट के बारे में आपको कई लोग बताएंगे कि ये रेडी प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर हमें मिल जाए तो हमारे लिए पौष्टिक पदार्थ है, और जो लोग ये उसी बात को लेकर कि ये प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल है, यही प्रोटीन हार्मफुल है, जिस फार्म में वो प्रोटीन है, प्रोटीन तो है लेकिन वही प्रोटीन हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स हैं और जो अनाज खाने वाले जो पशु हैं उनके दांत, उनके इंटेस्टाइन्स, उनका सारा सिस्टम अलग किस्म का है, हमारा सिस्टम अलग किस्म का, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उसी प्रोटीन को लेके वो भी कहते हैं नाउ इट इज फॉर यू टू जज। इसी प्रकार से उसके वो जो तत्व हैं, उसके तत्व हमारे लिए, अब जैसे देखिए मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल जब अपने रॉ कंडीशन में हम लेते हैं वो हमें लगता है, और आपको मालूम हो कि हमारे देसी इलाज में बहुत जगह पर किसी को बवासीर है, मान लो पाइल जी हैं, वो उस जगह पर वो मस्टर्ड ऑयल जो रॉ कंडीशन का है उसको लगा लेते हैं। मूली है, मूली को जब आप खाते हैं तो आपको मालूम है मूली में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो थोड़ा एक प्रकार का अलग सा उनका टेस्ट है, एक गलन जैसी हमें महसूस होती है। वो जो उसकी केमिस्ट्री है उसमें वही एलिमेंट्स हैं जिसकी बात आप लहसुन और प्याज में कह रहे हैं, मूली भी थोड़ा बहुत उसी कैटेगरी में आता है, और वही जो हमारे जो अंदर का हमारा आमाशय है, हमारा जो स्टामक है, उस स्टामक का जो हमारी ऊपर की झिल्ली है उस पर उसका क्या असर होता है, वो हमें एक चीज से बचाती होगी, उसका मेडिसिनल इफेक्ट है, आपने खुद कहा। तो अगर कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर ने उसको एज ए मेडिसिन दे दिया तो मेडिसिन की बात अलग है, बट इट इज नॉट ए फूड, बट वी आर सेइंग इट इज नॉट ए फूड, यू मस्ट नॉट ईट इट, बिकॉज इफ यू ईट इट एज ए फूड इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ डिफरेंट वे। मेडिसिन इज नॉट फूड, लेट अस हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। तो वो उसकी केमिस्ट्री एक लंबी, एक वो एक अलग किस्म का टॉपिक हो सकता है, जो डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फूड है उसका क्यों असर पड़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जा सकता है। लेकिन योगी होने के नाते एक आपत्ति, जो सिर्फ वो फिश की बात भी कह रहे थे, एग्स की बात भी कह रहे थे, मीट की बात भी कह रहे थे, सिर्फ प्याज और लहसुन की बात नहीं थी, एक योगी के लिए एक ये भी प्रश्न आता है कि क्या दूसरे को मार के हमें खाने का अधिकार है, हिंसा करने का, ब्लड शेड करके क्या हम अपने पेट को कब्रिस्तान बना दें, जैसे किसी कब्र में मुर्दा दफनाया जाता है हम भी किसी को मार के अपने पेट में डाल दें। जो ह्यूमन बीइंग है, जो बेस्ट ऑफ दी क्रिएशन माना जाता है, जिसमें सहानुभूति, करुणा, लिव एंड लेट लिव का प्रिंसिपल होना चाहिए, वो दूसरे को मार के खाए, ये एक असूल होता है। और कोई कहेगा जी अगर नहीं मारेंगे वो तो इतनी संख्या में बढ़ जाएंगे, सारे संसार में मुर्गे देखने में आएंगे, तो ऐसे कई क्वेश्चन उठेंगे। देन वी हैव टू टेक ओनली वन सब्जेक्ट इन वन क्लास, मे बी ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आई कैन एंटीसिपेट व्हाट कैन बी द क्वेश्चंस, बट इफ यू आर गोइंग टू अलाउ मी टू स्पीक ऑन एवरी पार्ट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, इट विल रिक्वायर ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन दैट टॉपिक, यू विल एक्सक्यूज मी फॉर दिस, देयरफॉर आई डिड नॉट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट सिंस वी हैव गिवन इट अप, वी हैव गिवन इट अप आफ्टर अप्लाइंग आवर थॉट टू इट, आफ्टर स्टडिंग द होल प्रॉब्लम एक्सटेंसिवली इंटेंसिवली, we have decided that it is not a part of food. That's what I wanted to say. और एक प्रश्न था, मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि जहां तक डाइट या फूड की बात है, उसमें केवल उसके जो तात्विक पदार्थ हैं हमारे शरीर के लिए, वो कहां तक उपयोगी हैं या अनुपयोगी या हानिकर हैं, केवल वही हमारे सामने एक विचार नहीं है, उनमें से वो एक विचार जरूर है, लेकिन केवल वही कंसीडरेशन हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास दो जो और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण विचार हैं, जिसको हम सामने रखकर फूड के बारे में डिसाइड करते हैं। बीइंग योगीज, दिस इज अनदर डायमेंशन इन अवर लाइफ, वी आर कंसीडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड इज बेनिफिशियल फॉर ए योगी।
not for a wrestler or a fighter or somebody who wants to have only bodybuilding, which is his aim. हमारा aim केवल वो नहीं, हमारे सामने दो मुख्य consideration, ये आप सामने रखिए, इस बात को overlook ना कीजिए। कोई part of food, कोई article of food, body के लिए कितना भी beneficial हो, हम उसके लिए उसका replacement सोचने की कोशिश करेंगे अगर वो इन दो conditions को fulfill नहीं करेगा। क्या? एक तो ethics, कि क्या हम सबसे प्रेम करें, जिए और जीने का अधिकार दें, या किसी की हत्या करके भी हम खा सकते। एक चीज योगी के सामने, एक तो एथिक्स कि उसके जीवन का असूल क्या है, दूसरी बात जिसको अहिंसा कह दो, प्रेम कह दो, सद्भावना कह दो, जो एक्सपेक्टेड है एक ह्यूमन बीइंग से। कोई आदमी किसी पर अत्याचार करता है, कहते हैं, हम कहते हैं ये तो इंसानियत से भी गिर गया है, तो क्या हम ब्लड शेड करके इस तरह का कुछ कार्य कर सकते हैं? एक बात ये, दूसरा है कि इसका हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पर क्या असर पड़ता है। हम अपने स्टेट को बैलेंस्ड माइंड में, इक्विलिब्रियम में, कामनेस में एंड क्वाइटनेस में रखना चाहते हैं, माइंड को उत्तेजना नहीं करना चाहते। क्रोध क्या है? क्रोध एक लुनेसी है, आदमी में आधा पागलपन है। जो आदमी क्रोध होता है वो फ्यूचर को नहीं सोचता, कहता है मरता हूं तो मरने दो, फांसी पर चढ़ूंगा, कोई परवाह नहीं, आज मैं इसको खत्म करूंगा जी। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। तो उसका आल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। कामी व्यक्ति, आपको मालूम है दिल्ली में एक डॉक्टर जैन आई स्पेशलिस्ट, जो प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे, आई स्पेशलिस्ट थे, अपनी वाइफ को बर्बाद डाला, काम से इतने अंधे हो गए, इतने बुजुर्ग अवस्था में, उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पर, अच्छे नामी व्यक्ति, पैसे की कमी नहीं, पोजीशन की कमी नहीं, सुख भोग लिया, उस वाइफ की भी काफी एज, अपनी भी काफी एज, गुंडों को पैसे दे के, आपको मालूम है केस चला, जेल में गए, थोड़ा टाइम पहले छूटे, अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे तो छूट गए, वरना और कोई होता तो फांसी मिल जाती। तो ये जो सारी बातें हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है कि हमारा मन का संतुलन तो नहीं नष्ट हो जाएगा, विवेक तो नहीं नष्ट हो जाएगा, ये ऐसा कोई काम तो हम नहीं करेंगे जो अपराधात्मक हो। वो उसको लीगल भाषा में अपराध कहते हैं, अपराध में वो चीजें शामिल नहीं है जिसको हम पाप कहते हैं। पाप अपराध से भी एक व्यापक चीज है। अपराध तो जो वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है वो अपराध है, जिसके गवर्नमेंट देख सकती है, उसको कुछ एक्शन ले सकती है। अब थोड़ा बहुत क्रोध तो जज भी अपने बेटे को थप्पड़ लगाता होगा, अगर उस तरह के क्रोध का एक्शन होने लगे तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस भी अंदर किया पड़ा हो। तो इसलिए वो क्रोध छोड़ दिया उन्होंने, चल तेरे को 3 थप्पड़ मारना माफ है, मिसाल के तौर। लेकिन अगर तू कोई शार्प एज वेपन लेके किसी को मारता है तो वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, लीगली दैट मैन इज आंसरेबल फॉर हिज एक्शन, तो वो अपराध है। लेकिन ये जो पाप है वो उससे भी एक महान बनने की एक चेष्टा है। उसके लिए हमारे मन का संतुलन, एक शांत अवस्था, आनंदमय अवस्था, प्रेममय अवस्था, इंसानियत की अवस्था, मनुष्य देवत्व की ओर हमारा विकास हो। तो जिस खाने से हमारे ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होते, वो हम योगी बनने से वंचित होते हैं जीवन के उत्कर्ष से, उसलिए हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे सामने मेन ये दो कंसीडरेशन। देखिए, एक जिसको दर्शन दार्शनिक दृष्टिकोण से, एक फिलोसॉफिकल या रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको इनबिल्ट मैकेनिज्म कहा जाए, जिसको अंदर अव्यक्त कहा जाए, जैसे देखिए आप बीज को किसी खेत में बोते हैं, आप कोई कहेगा कि आम की गुठली को हमने बोया, आम की गुठली ने आम के पेड़ का रूप ले लिया, अब आम का पेड़ का रूप ले लिया तो क्या आम की गुठली ने स्वेच्छा से आम का पेड़ का रूप लिया या भगवान ने उसको पेड़ का रूप दे दिया? इफ आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रांसलेट इट इन टू कंक्रीट टर्म्स, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, तो उसका उत्तर क्या होगा? एक जो बॉटनिस्ट है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उससे हम पूछें तो वो क्या व्याख्या उसकी देगा? वो कहेगा कि जो आम का जेनेटिक सिस्टम था, आम की जो इनबिल्ट पोटेंशियलिटीज थी, आम में जो इनहेरेंट एबिलिटीज थी, उसने एनवायरमेंट से अपने प्रकार के तत्व लेकर आम के पेड़ के रूप में वो बढ़ा। अगर उसमें आप मिर्च बो देते तो उसी पृथ्वी में, उसी वायु से, उसी जल से वो मिर्च का सा पौधा बनता और उसका टेस्ट वैसा ही होता, और जहां आपने आम बो दिया
तो आम की गुठली में जो संभावनाएं थी, जो उसके शक्तियां जो उसमें निहित थी, वो अव्यक्त रूप में थी, वो उन्होंने इस किस्म का रूप लिया। तो ऐसे ही जो आत्मा जहां से जब शरीर छोड़ के जाती है, अपने साथ संस्कार लेके जाती है, वो उसकी पोटेंशियलिटीज होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिलाकर। तो जैसे मैंने उसकी मिसाल आपको दी, वैसा ही वो वहीं लेके चला जाता है। आप एक बच्चे को छोड़ दे खेलने के लिए, 20 बच्चे हों खेलने के लिए, वो उन ऐसे बच्चे से जाके खेलना पसंद करेगा जो उसके संस्कारों से मिलता जुलता है, दूसरे के संस्कार से उन 20 बच्चों में से सिलेक्ट उसी को करेगा। तो इसी तरीके से आत्मा जो है वो दूसरा जन्म लेती है। ओम शांति।